हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विवेक एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती साथियों आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल 2024 से पंद्रह अप्रैल दो से और चौदह मई दो तक आर पी और कॉन्स्टेबल के फॉर्म भरे जाएंगे

ये रोज रात दस बजे मैंने आप सभी के लिए जीके की क्लास लगा रखी है सौ दिन में सरकारी नौकरी की तैयारी इसकी जो थ्योरी है कल पांच मार्च से शुरू हो रही है ठीक है भैया और स्पेशल बैच जो इसका गर्जना वो अठारह मार्च से शुरू होगा जो का जो कि इसका स्पेशल बैच है ठीक है गर्जना स्पेशल बैच गर्जना नाम से और जो रेलवे परचम फाउंडेशन में जुड़ेंगे उनकी थ्योरी कल से ही ऐसी क्लासेस होंगी ऐसा कंटेंट होगा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक भी दराया नहीं मिलेगा को आप उतनी तैयारी अच्छे से कर जाते हैं चैलेंज है कि आप पेपर में नाइन्टी परसेंट प्लस स्कोर लाने की क्षमता रखते हैं तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठे बता दीजिए मुझे कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का फिजूल है देखना रे बंदे कदा आसमान का एक बार सभी लिख दीजिए वर्दी मेरी शान आरपीएफ जिंदाबाद हरि के बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है हरि के बैराज जिसे आप एक बांध भी कह सकते हैं यहां से साथी इंदिरा गांधी नहर निकलती है कौन सी नहर निकलती है इंदिरा गांधी नहर निकलती है यह इंदिरा गांधी नहर याद रखिएगा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में यह पानी पहुंचाती है लगभग 650 किलोमीटर लंबी है राजस्थान के जैसलमेर तक राजस्थान के जैसलमेर तक यह पानी पहुंचाती है राजस्थान के जैसलमेर तक रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहुंचाने का काम करती है अब हरी के बैराज आ गया तो हमें याद होना चाहिए कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर किस पर साथी व्यास और सतलज तो हरी के बैराज किस किस पर मिला है व्यास और सतलज नदी के संगम पर है प्रश्न संख्या एक का उत्तर क्या जाता है सी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या एक का उत्तर क्या जाता है सी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 2 पानीपत की प्रथम लड़ाई कौन सी आ जाती है सती पानीपत की प्रथम लड़ाई आप सभी जानते हैं पानीपत के तीन मुख्य युद्ध लड़े गए यदि पानीपत का प्रथम युद्ध की बात आती है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य किसके मध्य बाबर और इब्राहिम लोदी यहीं से आप जानते हैं कि सल्तनत काल का एंड हुआ मुगल वंश की शुरुआत हुई फिर साथी जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये 1556 अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में और तीसरा जो था तीसरा ये 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जिसके ऊपर हरा निशान लगा है ये इसमें विजय हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर विजय पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 में अकबर विजयी और पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई तो पानीपत की पहली लड़ाई किस-किस के बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है सी आपका क्या हो जाता है साथी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या तीन पर आ जाते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किन्होंने दिया था इन्हीं साथी गीता रहस्य पुस्तक लिखिए गीता रहस्य पुस्तक भी नहीं किए गीता रहस्य पुस्तक भी नहीं किए मांडले जेल में रहे कहां पर साथी बर्मा की मांडले जेल में रहे बर्मा की मांडले जेल में रहे एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा मराठा और केसरी ये इन दो इनके अखबार थे मराठा और केसरी मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में ये इनके दो अखबार थे गणेश उत्सव उत्सव और शिवाजी की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी इन्होंने की थी गर्म दल के प्रमुख नेता स्वराज्य मेरा या स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये थे बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न संख्या तीन का उत्तर क्या जाता है डी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या तीन का उत्तर क्या जाता है डी आपका बिल्कुल सही है सभी लोग शेयर करके चलना बच्चा इसी तरीके का एक जनरल पेपर आता है अगर अच्छे से पढ़ के थ्योरी जाओगे कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाओगे देखिए इस बार ऐसी जीके पढ़ो कि हर एक का जीके स्पेशल फेल हो जाए उसके लिए कुछ नहीं करना आपको एग्जाम एक प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर थ्योरी की क्लास लेनी है और पंद्रह पंद्रह मिनट निकाल के उनका रिविजन करना है क्योंकि मैं क्लास में याद करा दूंगा और हंड्रेड परसेंट आपको अटेंडेंस रखनी है। आपने अगर क्लास में हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस रखी कोई रोक नहीं सकता इस बार आपको बहुत बेहतरीन नंबरों से इसलिए हमने इस बार एक नारा दिया है सौ दिन में सरकारी नौकरी की तैयारी तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या चार भारत की आकस्मिकता निधि जो होती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है देखिए भारत के प्रमुख तीन फंड होते हैं भारत के कितने फंड हो जाते हैं आप कहोगे भैया प्रमुख जो होते हैं वो तीन फंड हो जाते हैं एक हो जाता है सती समेकित निधि जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं एक ये आकस्मिक निधि हो जाती है एक आकस्मिक निधि और एक पब्लिक अकाउंट्स हो जाते हैं एक क्या हो जाते हैं साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कोई भी बताया जो आकस्मिक निधि है इसमें पहले 500 करोड़ रुपए इसकी धनराशि थी अब 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है जो कंटिजेंसी फंड है इसे 500 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है इसे साथी 500 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है यह चीज भी आपको बतानी है आकस्मिक निधि अनुच्छेद दो से संचालित होती है ये अनुच्छेद दो से संचालित होती है देखिए भैया ये जो आकस्मिक निधि है इसमें रुपए तीस हजार करोड़ कितने करोड़ रुपए तीस हजार करोड़ जिसका चालीस परसेंट वित्त सचिव यह किसके अधीन रहती है राष्ट्रपति के अधीन रहती है यह किसके अधीन रहती है भैया राष्ट्रपति के अधीन रहती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समेकित निधि अनुच्छेद दो आकस्मिक निधि अनुच्छेद दो तीस हजार करोड़ रुपए कितने करोड़ तीस हजार करोड़ रुपए और इसका संचालन किसके अधीन राष्ट्रपति के अधीन इमरजेंसी के तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पहले पांच सौ करोड़ थी चौथे का उत्तर भी प्रश्न संख्या पांच पंडित हरि प्रसाद हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं सरोद अमजद अली खान सरोद से कौन जुड़े जुड़े, जुड़े बच्चा अमजद अली खान अली अकबर खान ये सब किससे जुड़े हैं ये सब सरोद से जुड़े हैं अमजद अली खान अली अकबर खान ये सरोद से जुड़े हैं तबला जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान ये सब किससे जुड़े हैं तबला से सितार से याद रखेगा शंकर सितार से कौन जुड़े हैं रवि शंकर बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये किससे जुड़े बांसुरी वादक के प्रश्न संख्या पांचवे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या पांच का उत्तर क्या जाता है सी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या छह आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आरबीआई की स्थापना आपको इसका अधिनियम भी बताना है जिस समय स्थापना हुई थी आरबीआई की उस समय इसकी जो एक कहते ना कि भाई इसकी जो धनराशि थी वो धनराशि कितनी थी वर्तमान इसके गवर्नर बताइए इसके साथ ही वर्तमान गवर्नर बताइए कि भाई आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है के गवर्नर। और गवर्नर कौन थे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन याद आरबीआई भारत का आर केंद्रीय बैंक है यह बैंकों का बैंक भी इसे कह सकते हो भारत का केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक है भारत सरकार का आम जनता के खाते नहीं खुलते इसमें बैंकों के खाते खुलते हैं भारत सरकार के खाते भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट था 1934, पांच करोड़ की पूंजी से, से पांच करोड़ की पूंजी से एक अप्रैल उन्नीस सौ पैंतीस से इसने कार्य करना शुरू किया एक अप्रैल 1935 से कार्य करना वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान गवर्नर कौन है भैया शक्तिकांत दास हैं जबकि पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख साहब थे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे सीडी देशमुख साहब थे छठे का उत्तर क्या जाता है, सी बिल्कुल सही है। ये एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते एक रुपए के, के, के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते याद रखिएगा केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते किसके केंद्रीय वित्त सचिव के छठे का उत्तर आपका बिल्कुल सही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है इनको सन 1990 में भारत रत्न मिला सन 1990 में भारत रत्न मिला उन्नीस में, में नोबल शांति पुरस्कार मिला उन्नीस में, में नोबल शांति पुरस्कार मिला आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह किसकी है सभी लोग खींच करके शेयर कीजिएगा कहते कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का फिजूल है देखना कदासमान का बी आर अम्बेडकर वेटिंग फॉर वीजा यह बाबा साहब की किताब है वेटिंग फॉर वीजा बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखी किताब है रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखिएगा गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के साहित्य का नोबल मिला गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबल मिला सन 1913 में पहले भारतीय पहले एशियन जिनको ये नोबेल प्राइज मिला महात्मा गांधी जी इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी किताब है नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न और 1993 में, में नोबेल शांति पुरस्कार मिला सातवें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है घूम मठ कहां पर स्थित है घूम मठ देखिए अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का तवांग मोनेस्ट्री यह बहुत फेमस है, है। कर्नाटक का नाम ड्रोलिंग यह क्वेश्चन आ चुका है कर्नाटक में मठ है नाम ड्रोलिंग मठ जिसको गोल्डन मठ भी कहते हैं जिसको गोल्डन मोनेस्ट्री भी कहा जाता है जिसको सती गोल्डन मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में की की नाम से है धनकर नाम से मठ है की धनकर ये सब कहां पर मोनेस्ट्री ये सब हिमाचल प्रदेश में घूम याद रखिएगा ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है मठ कहां पर है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है घूम मठ ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है का उत्तर क्या जाता है सी आपका बिल्कुल सही है आठवें का उत्तर क्या है सी अरुणाचल प्रदेश में तवांग भूम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग कर्नाटक का नाम लद्दाख में, में हेमिस हो जाती है रूमटेक मठ सिक्किम में आठवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है नोवा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया आई इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन सन 1926 में स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में इसका हेडक्वार्टर है आपसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात है यही खेल है जिसको पिंग पोंग भी कहा जाता है इसी खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है चीन में एक राष्ट्रीय खेल के बराबर इसका दर्जा है दिल्ली में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर सन 1926 में ये भी बनी है तो पूछेगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है तो क्या बताओगे ये साथी दिल्ली पेन होल्ड शब्द जो है पेन होल्ड शब्द जो है ये टेबल टेनिस से जुड़ा है शॉर्ट में टीटी कह देते हैं नौवे का उत्तर क्या जाता है सी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या दस दो फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच में कितने वर्ष का अंतराल होता है अब बताइए फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है प्रथम पुरुष वर्ल्ड कप यह कब और कहा आयोजित किया गया 2026 का कित कहां और कित कौन से देशों में आयोजित किया जा, जा रहा है 2030 का कहां पर और दो हजार का कहां पर 2030 में फीफा वर्ल्ड कप की वर्षगांठ भी है फीफा का हेडक्वार्टर याद रखिएगा जूरिक शहर यह स्विट्जरलैंड का जूरिक शहर है स्विट्जरलैंड का कौन सा शहर जूरिक शहर ज्यादातर हेडक्वार्टर आपको लुसान में मिलेंगे लेकिन जूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर प्रथम पुरुष वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ विजेता भी उरुग्वे की टीम थी दक्षिण अमेरिका का देश है 2026 में याद रखेगा मेक्सिको कनाडा मेक्सिको कनाडा और अमेरिका ये तीनों देश 2030 में पुर्तगाल स्पेन मोरक्को पुर्तगाल स्पेन और मोरक्को ये तीनों जबकि जो एनिवर्सरी मैच है वो साथी अर्जेंटीना पराग्वे और उरुग्वे में आयोजित होंगे दो का जो होस्टिंग राइट्स मिले हैं वो सऊदी अरब को मिले हैं तो प्रश्न संख्या दस का उत्तर क्या जाता है डी आपका बिल्कुल सही है प्रत्येक चार साल के अंतराल पर फीफा वर्ल्ड कप होता है अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है वो 2022 में कतर में आयोजित हुआ गया 2022 में कतर में दसवें का उत्तर क्या जाता है डी आपका बिल्कुल सही है। दसवें का उत्तर क्या जाता है साथी डी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या ग्यारह कौन सी एक नोबल गैस नहीं है कौन सी एक नोबल गैस नहीं है इनमें से पूछा है कौन सी एक नोबल गैस नहीं है सेठा किंग और कितना साफ लिखूं भाई यार अजीब बात है अगर तुम्हें यह भी नहीं मुंह से शब्द भी तो बोल रहा हूं केवल देख के लिखता कानों में तेरे में वो गंदगी जमा हो गई है क्या उसे निकाल ले यार बाबू बोल भी तो रहा हूं इतनी गंदी राइटिंग तो नहीं है कि एक ही चीज को बार बार लिखे सभी लोग ध्यान पूर्वक उत्तर दीजिए एक एक चीज की थ्योरी तैयार कीजिए खेल संगठन फुटबॉल हॉकी कुछ भी हो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट एग्जाम्पल की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कल से खेल आर्ट कल्चर इस तरीके से कराऊंगा याद रखोगे उत्कृष्ट गैस देखिए हीलियम, हीलियम, आर्गन रेडोन जीनोन जीनोन ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये नोबल गैसेस होती हैं और ये कौन से ग्रुप में पाई जाती हैं, इसको जीरो ग्रुप ग्रुप कहते हैं इनकी वेलेंसी जीरो होती है, ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती आर्गन हीलियम ये सारी, नाइट्रोजन नहीं है डी आपका बिल्कुल सही है संख्या ग्यारह का उत्तर क्या है डी आपका बिल्कुल सही है सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है सभी लोग उत्तर दीजिए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है देखो बच्चा जो जीएस या जी के होती है वो सब की सेम है बस जैसे आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करो तो थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की पढ़ोगे थोड़ा सा लेवल में और बस आपको यूपी के एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है इसी प्रकार एनटीपीसी ग्रुप डी पढ़ते हो थोड़ा और डीप जी के आ जाती है तो अगर एक बार थ्योरी अच्छे से आपने कवर कर ली तो यूपी में बैठ जाने किसी में अब मार नहीं खाओगे और इस बार लक्ष्य यही है कि तुम्हें इस बार और बेस्ट दिया जाए समझे मेरी बात सभी लोग उत्तर दीजिए सूर्य के प्रकाश से आपको क्या प्राप्त होता है विटामिन डी कैल्सी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स रोग होता है बालकों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है बड़ों में विटामिन सी की कमी से आप जानते स्कर्वी रोग होता है मसूड़े इत्यादि से खून आना यह खट्टे फलों में विटामिन बी वन थाइमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है कौन सा रोग बेरी बेरी रोग हो जाता है और विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपथेलमिया नाम का एक रोग हो जाता है जीरोपथेलमिया नाम का एक रोग हो जाता है सूखी त्वचा आंखें सूखी तो सूर्य के प्रकाश ये विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत है एल्सी फिरोलिस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है 12 का सी भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे जोन का वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय वेस्ट सेंट्रल पूछ लेता है नॉर्थ सेंट्रल पूछ लेता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पूछ लेता है रेलवे के कुल जोन बताइए कितने हैं कुल रेलवे जोन कितने हैं यहां से क्वेश्चन जरूर आते जम में कल सुबह 8 बजे आपको एप्लीकेशन पर जीके का सिलेबस डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा एक बच्चा कह रहा है सर, पे परेशानी हो आपको इतने कम में तो आप ये सोच सकते हो कुछ भी नहीं होता ये बस मेरा मन क्या होता आप लोगों से कि कैसे ही आप लोग चलो देखा जाएगा जो भी होगा बस आप लोग थोड़ा सा तरीके से अगर पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा मन खुश हो जाता है और इसके अलावा मतलब ज्यादा दिमाग में चीजें नहीं रख के चलता मैं इसके अलावा ज्यादा साथी दिमाग में मैं चीजें रख के नहीं चलता तो अगर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लोगे तो ये लगता है कि चलो कुछ तो आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ के गए कुछ तो थ्योरी पे आप लोगों ने एक प्रकार से ध्यान दिया कुछ तो थ्योरी पर आप सभी लोगों ने ध्यान दिया बिल्कुल सही भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे यह साथी जबलपुर में कहां पर है जबलपुर में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यह प्रयागराज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उत्तरी पश्चिमी रेलवे यह राजस्थान के जयपुर में है कुल रेलवे जोन अठारह है कुल रेलवे जोन कितने अठारह तो सी आपका बिल्कुल से उत्तर है सी जबलपुर आपका बिल्कुल से उत्तर है सी जबलपुर आपका बिल्कुल से उत्तर है पश्चिम मध्य रेलवे तो इसको शॉर्ट में याद करते हैं और दिमाग लगा लेते हैं पश्चिम की बात हो रही है तो आप मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के नीचे चले जाओ सेंट्रल की बात हो रही है तो नर्मदा नदी के नीचे सेंट्रल में देखो कौन पड़ेगा नर्मदा के नीचे दक्षिण में और भारत के मध्य में हल्का सा तो आपको समझ में आएगा जबलपुर नॉर्थ सेंट्रल की बात हो रही है उत्तर में आ जाओ उत्तर प्रदेश सेंट्रल बीच में प्रयागराज नॉर्थ वेस्ट की बात उत्तर में वेस्ट साइड चले जाओ राजस्थान जयपुर तेरह का उत्तर क्या जाता है सी आपका बिल्कुल तेरह का उत्तर सी आपका बिल्कुल जो अगर आप जीएस स्पेशल स्पेशल रीज़निंग अच्छी वैलिडिटी के साथ तो आप परचम ज्वाइन कीजिए सब खत्म है उसके बाद में यूपीएसआई यूपी SI, पुलिस रेलवे एसएससी जिसका मन हो तीन हजार मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी जंप होते हैं इसमें थोड़े थोड़े दूर पर 400 मीटर का घेरा होता है 400 मीटर का घेरा होता है तो लगभग साढ़े सात के करीब चक्कर मारने पड़ते हैं साढ़े सात के करीब चक्कर और बीच में क्या होते हैं छोटे छोटे बाधाएं होती हैं, जिसमें से याद रखेगा 28 तो सामान्य बाधा होती है और सात पानी वाली बाधा होती है सात कितनी बाधा होती है पानी वाली अब आपसे कुल पूछा है कि तीन हजार मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी जंप होती है अगर पानी वाली पूछता तो सात सामान्य पूछता तो अट्ठाइस और टोटल पूछता है तो 28 और कितनी कितनी हो गई 35. चेज में कुल अट्ठाइस होती है तीन हजार मीटर की उसमें कितनी जंप होती है भैया तीन हजार मीटर में पैंतीस जंप होती है, है, है? है. चौदह का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी दो मेमोरी होती है साथी एक वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं या कैश मेमोरी जिसको कहते हैं। ये साथी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए डेटा को सेव या स्टोर करके रखती है यह होती है साथी आपकी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है और जो परमानेंट मेमोरी होती है जो जिससे आप बिल्कुल स्थाई मेमोरी कहोगे वो साथी रोम हो जाती है तो परमानेंट मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की ये क्या हो जाती है साथी रोम जैसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं क्या कहते हैं रीड ओनली मेमोरी ये क्या हो जाती है रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये साथी याद रखेगा इसकी परमानेंट मेमोरी होती है या स्थाई मेमोरी होती है तो रेम यह वोलेटाइल है कैश मेमोरी है कम समय के लिए डेटा इसमें स्टोर होता है प्रश्न संख्या सोलह खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर यह किस शैली में बने हैं किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है मंदिरों का समूह है इसमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और उस मंदिर का निर्माण करता कौन है उस मंदिर निर्माण करता कौन है खजुराहो के मंदिर याद रखिएगा खजुराहो के मंदिर कहां पर है मध्य प्रदेश में यह नागर शैली में उत्तर भारत के जो मंदिर बने यह नागर शैली में बने उन्नीस में यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव देञि मंदिर सबसे बड़ा खजुराहो का मंदिर कौन सा है कंदरिया महादेव मंदिर जो कि विद्याधर चंदेल ने बनवाया महोबा के चंदेल वंश के राजाओं के चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए सोले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है सोले का उत्तर क्या जाता है साथी सी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या सत्रह मर्मगांव बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है भारत के किस तट पर स्थित है किस नदी के मुहाने पर स्थित है मरमगांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है भारत के कौन से तट पर स्थित है सब लोग उत्तर दीजिए बेच बेटा एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी आप चाहे तो सीधा गूगल से इंस्टॉल कर लीजिए जिसने पहले ले रखा है यूपीपी परिश्रम उसको नहीं लेना उसको मिलेगा ऑलरेडी नए बच्चों को लेना होगा वो जो पहली बार एग्जाम पर जुड़ रहे हैं बिल्कुल सही देखिए नदी है जुआरी नदी मांडवी नदी नहीं है पहली बात। कौन सी नदी जुआरी नदी के बहाने पर तट कौन सा है? कोंकण तट कौन सा तट कोंकण तट या जिसे भारत का पश्चिमी तट भी कह सकते अरब सागर में अरब सागर गोवा में स्थित है मरमगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है अरब सागर पश्चिम तट पर कोंकण तट पर और कौनसी नदी के मुहाने पर जुआरी नदी के मुहाने पर सत्र का भी आपका बिल्कुल सही है सूर्य मंदिर किस तट पर स्थित है आपको शहर और राज्य भी, भी बताना है इस मंदिर का उपनाम क्या है किस वंश के राजाओं ने बनवाया और निर्माणकर्ता का नाम बताइए निर्माणकर्ता का नाम बताइए कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य किस शहर इसका उपनाम क्या है किस वंश के राजाओं ने बनवाया इसका उपनाम क्या है इसी प्रकार एक मंदिर है तमिलनाडु में शोर टेम्पल तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसको समुद्र तट मंदिर भी कहते हैं शोर टेम्पल भी जिसको कहते हैं उसके निर्माणकर्ता का नाम भी बताइए उसका निर्माणकर्ता क्या भी नाम बताइए देखिए भैया शहर है सातीपुरी राज्य है उड़ीसा कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है पूर्वी गंग वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं ने पूर्वी गंग वंश नरसिंह नर एक ने नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन एक तमिलनाडु नरसिंह देव एक कह सकते हो बर्मन न कह के नरसिंह देव वन भी आप इसे कह सकते हो शोर टेम्पल ये नरसिंह वर्मन दो नरसिंह वर्मन दो इनमें कंफ्यूज मत होना यह पल्लव वंश का राजा था यह किस वंश का राजा था पल्लव तो जिसने समुद्र तट मंदिर तमिलनाडु महाबलीपुरम में बनवाया ये नरसिंहदेव दो पल्लव वंश का राजा कोणार का सूर्य मंदिर पूर्वी गंगवंश का राजा नरसिंह देव वन ये साथी बंगाल की खाड़ी में स्थित है कहां स्थित है बंगाल की खाड़ी अठारह का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या उन्नीस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यह कब शुरू की गई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यह कब शुरू की गई थी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इन दोनों को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यह कब शुरू की गई थी किस वर्ष भारत सरकार की स्कीम भी आपके उसमें पूछी जाती है फिर से सुन लीजिए भारत सरकार की स्कीम इसलिए एक बार जीके का अच्छे से सिलेबस पढ़ लो और आपको फाउंडेशन तैयार करनी है आपका जीके वैसा तैयार नहीं है जो एग्जाम निकलवाए इस बार जो से जुड़े थे उनका तो काफी उनको फायदा हुआ होगा लेकिन यूपी में टॉपिक कम होते हैं जीके के एक बार आपके पास समय है तीन साढ़े तीन महीने सौ दिन का सौ दिन का साथ दे दो मेरा सौ दिन में तुम्हारा सबसे बेस्ट जीके किसी से अड़ जाना कहीं भी खेल में अड़जाना कला संस्कृति में अड़जाना योजना में जाना, जीके में स्ट्रेटेजी पर्यटन स्थल स्थल किसी में ये साथी 25 सितंबर साल 2001, 25 सितंबर साल 2001, 19 का उत्तर भी ह्यूमन आई मानव आंख का कौन सा भाग मानव आंख का कौन सा भाग उसका रंग निर्धारित करता है आंख का रंग कैसा होगा नीला काला भूरा सफेद ये कौन सा अंग निर्धारित करता है और यह साथी किस पिगमेंट की वजह से होता है हमारे जो शरीर और आंखों का रंग है यह किस पिगमेंट की वजह से होता है शरीर का रंग कैसा होगा गोरा काला बहुत गोरा बहुत काला यह कौन सा पिगमेंट डिसाइड करता है तो देखिए ह्यूमन आई में हमारी आंख का रंग कैसा होगा वो आयरिस का कलर डिसाइड करता है कौन सा आयरिस क्लियर है भैया और ये जो पिगमेंट है इसका नाम है मेलानिन इसका नाम क्या है मेलानिन किसी के अंदर मेलानिन ज्यादा है तो वो उसका सांवला काला ज्यादा होगा किसी के अंदर मेलानिन कम है उसका गोरा बीस का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है देखिए जो आरपीएफ ऐसा है स्पेशल बेस से जुड़ना चाहे अठारह मार्च गर्जना चार केवल आरपीएफ के लिए जो परचम फाउंडेशन से जुड़ गए उनकी कल से शुरू हो जाएंगी यूपीपी री एग्जाम की भी कल से शुरू हो जाएंगी परचम फाउंड फाउंडेशन जो है वो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल सभी के लिए दो साल की वैलिडिटी के साथ बिम्सटेक का हेडक्वार्टर आपको यह भी बताना है इसकी स्थापना कब हुई है सदस्य देशों की संख्या कौन कौन है सदस्य देशों के नाम और संख्या सदस्य देशों के नाम और संख्या बिम्स्टेक का या सचिवालय पूछा है। बे और बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए बहुपक्षीय बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के नाम पर एक समझौता तो जो देश बंगाल की खाड़ी से लगे होंगे वही इसके सदस्य होते हैं। बंगाल की खाड़ी को दिमाग में रखकर सदस्य देशों का नाम लिखो स्थापना उन्नीस सौ सदस्य देशों की संख्या सात नाम हो जाते भारत और नेपाल और भूटान क्योंकि ये कैसे देश हैं भू अवरुद्ध देश है उसके बाद में श्रीलंका इससे लगा हुआ है, चार हो गए भैया बांग्लादेश म्यांमार बांग्लादेश म्यांमार और थाईलैंड ये भी बेओ बंगाल से लगे म्यांमार और थाईलैंड ये भी बंगाल की खाड़ी से हैं तो बिम्सटेक में सात देश ये नाम इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है ढाका इसका कहां पर है ढाका तो में जनगणना में डी जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार राज्य बताइए या सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो राज्य बताइए आपको सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है बेटा रणभूमि वालों वालों को को भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं पुराने सबको सब को। बस क्योंकि लोड बहुत पड़ेगा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा नुकसान बहुत होगा पर तुम लोग वादा करो कि तुम वर्दी पहनकर दिखाओगे मतलब ईमानदारी से तुम रिजल्ट लाके दिखाओगे मैं दे दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने मेरी मेहनत है उस लेवल की मेरी मेहनत है उस लेबल की बस वही है कि तुम लोग पता नहीं क्या तुम लोगों को लग गई है फालतू की किताब नोट्स पर पढ़े रहे हो तुम तुम एक बार आओ तो एग्जाम पर एप्लीकेशन पर अरे हम पागल लोग नहीं है टॉपर रहे हैं टॉपर अपने अपने उसमें कुछ पढ़ा होगा कुछ आता होगा तभी रहे हैं। तुम पता नहीं ये गाइड वो गाइड ये सब कभी साठ परसेंट से ऊपर नहीं बढ़ सकते और इस बार बहुत कमजोर कमजोर बच्चे भी बत्तीस बत्तीस क्वेश्चन करके आए यूपी में जीके में परिश्रम वाले बत्तीस बत्तीस बहुत कमजोर जो सोलह सत्रह से ऊपर नहीं होते थे अच्छे बच्चे तो पैंतीस 35 तक मार के आए और मेहनत वाले में चोरों की बात नहीं कर रहा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र सबसे कम सिक्किम की है सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है गोवा तो बाईस का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है सचिवालय के प्रमुख की बात हो रही है प्रत्येक सदन के सचिवालय हर एक सदन का अपना एक सचिवालय भी होता है उसका प्रमुख अब बताइए संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है राज्यसभा का देखिए संसद का गठन अनुच्छेद उन्यासी राज्यसभा का अनुच्छेद अस्सी और लोकसभा का अनुच्छेद इक्यासी जो महासचिव होते हैं लोकसभा का महासचिव अलग होता है राज्यसभा का महासचिव अलग होता है यही सचिवालय के प्रमुख होते हैं तेईस का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है अपने अपने सदन के सचिवालय के महासचिव होते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की जो साथी आप देखेंगे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु यहां तक ये फैले हुए अब सभी जानते हैं कि ये जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है ये कहां के मिलते हैं ये साथी केरल में आके मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं? केरल में, केरल में। तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में ये फैले हुए तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कह देते हैं इसी पश्चिमी घाट की केरल में सबसे ऊंची चोटी है छब्बीस मीटर ऊंची कौन सी छब्बीस जिसको अनाई जिसको अनाईमुडी कहते हैं तो याद रखिएगा अनाईमुड़ी केवल दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी नहीं है साथ में इसको आप पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कह सकते हो ए आपका बिल्कुल सही है अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची छोटी है प्रश्न संख्या पच्चीस संस्कृत कवि हरिशेर ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी देखिए जो स्तंभ है जिस पर यह स्तंभ उस स्तंभ को लगवाया किसने था अशोक ने लगवाया किसने था अशोक ने अशोक की एक रानी थी उसने भी इस पर कुछ लिखा है फिर बाद में इसी स्तंभ पर एक राजा था जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के यहां पर एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेण हरी ने संस्कृत भाषा में उनकी प्रशंसा में एक कविता की रचना की उसको प्रशस्ति कहते हैं किसी राजा के सम्मान में अगर कोई कविता लिखते हो तो उसको प्रशस्ति कहते हैं ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लिए थी किसके लिए थी समुद्रगुप्त के लिए तो संस्कृत में कवि हरिसेण के द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान और प्रशंसा में यह साथी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की तो रचनाकार कौन है हरिसेण किसके सम्मान में समुद्रगुप्त के सम्मान में किस भाषा में संस्कृति संस्कृत भाषा में और किसी राजा के सम्मान में अगर कोई पोयम लिखी गई है उसे क्या कहा जाता है प्रशस्ति कहा जाता है पच्चीस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है किस देश ने भारत में किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया अनुच्छेद तीन अनुच्छेद अड़सठ भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस देश के संविधान से दो चीजें अपनाई गई एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक कौन सी प्रक्रिया बच्चा संविधान संशोधन की प्रक्रिया और एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते मनोनीत को छोड़कर दो प्लस बारह मनोनीत तो ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनकी क्या प्रक्रिया हो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा हो ये दो चीजें हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली किसके संविधान से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 26 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है 26 का उत्तर क्या जाता है एक और याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी यह भी हमने कहां से ली है यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से छब्बीस का उत्तर आपका बिल्कुल सही है पारो सेचू त्योहार ये किस देश का प्रमुख त्यौहार है इस देश की आपको राजधानी भी बतानी है इस देश की मुद्रा भी बतानी है इस देश का उपनाम भी बताना है इस देश की राष्ट्रीय पोशाक भी बतानी है इस देश का आपको साथी राष्ट्रीय खेल भी बताना है पारो सेचु ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है सभी लोग उत्तर दीजिए अनिकेत परचम बेच लिया क्या आप यूपी अलग से नहीं लेना किसी ने परचम लिया हो तो उसको सब कुछ मिलेगा दो साल तक हर बेच उसको उपलब्ध रहेगा तो चाहे यूपीपी री एग्जाम हो यूपीएसआई हो रेलवे फाउंडेशन एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ आर पी या एस आई कॉन्स्टेबल कोई भी बैच हो आपको सब मिलेगा कम से कम तीस प्लस टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के के और इंडिया बेस्ट बेस्ट से आप कहोगे सर मजा आ गया फाउंडेशन बनाने वाले ऐसे नहीं कि कुछ भी मुठा के पढ़ा दिया किसी का देख के इस देश की राजधानी है यह भूटान का त्यौहार है पारो घाटी कहां पर पड़ती है भूटान में है भूटान की राजधानी क्या है थिम्पू? भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा क्या हो जाती है नगुल ट्रम मुद्रा क्या हो जाती है नगुल ट्रम इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं लैंड ऑफ लैंड ऑफ दंडर बोल्ट भी कहते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं थंडर ड्रैगन घो पुरुष की पोशाक होती है कीरा महिलाओं की और आर्चरी याद रखिएगा साथी इनका राष्ट्रीय खेल है तो पारू सेचू कहां का त्योहार है आप कहोगे सर भूटान का त्योहार है बताइए राजस्थान में कर्तन और दहन कृषि को क्या कहा जाता है जिसे साथी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है इसे किस नाम से झूम खेती के नाम से इसे किस नाम से झूम खेती के नाम से मेक्सिको में से मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में से मिल्पा इसको इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है इसको इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है लदांग कहा जाता है याद रखिएगा रे आर इसको वियतनाम में कहा जाता है कहा वियतनाम में ब्राजील में इसे रोका के नाम से ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है दीपा इसे छत्तीसगढ़ बस्तर में कहा जाता है याद रखिएगा वाल्ट्रे ये इसे राजस्थान में खेल हिमाचल प्रदेश में खेल हिमाचल प्रदेश में ठीक है भैया और कुमारी इसको केरल इत्यादि में कहा जाता है कुमारी इसको पश्चिमी घाट केरल में तो राजस्थान में शिलेश झूम खेती को किस नाम से वाल्रे अथवा वाल्ट्रे के नाम से अट्ठाइस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहां पर स्थित है ये बताइए 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप विजेता टीम पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप यह कहा आयोजित हुआ इसका आयोजन किस राज्य में किया गया और आपको विजेता टीम भी बतानी है आपको विजेता टीम भी बतानी है आप सभी को साथी विजेता टीम भी बतानी है याद रखिएगा आयोजन उड़ीसा में आयोजन उड़ीसा में बेल्जियम ने इसे जीता है किसने बेल्जियम ने उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यह उड़ीसा के राउरकेला में 29 का उत्तर सी बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आपको बताने प्रोजेक्ट हंगुल किस वर्ष शुरू हुआ प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी हिरण को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ साथ ही प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट लेपर्ड कब शुरू हुआ हिम तेंदुए को बचाने के लिए अब सभी लोग उत्तर दीजिए बाघों की घटती संख्या को नियंत्रित करने के लिए बेटा परचम में सब कुछ है केवल यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 499 और पर्चे में तो समेत तो सारे एग्जाम्स के सारी कैटेगरी लगभग यूपी ओ एसएससी और रेलवे हो और जो आपका ये है जो केवल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल उनकी भी कल रेलवे फाउंडेशन में शुरू हो रही है अलग से 18 मार्च से तो ध्यान दीजिएगा बेटा कतई भी उसको मिस मत कीजिए बहुत अच्छे से एक, -एक चीज को बस एक चीज चाहिए 100% अटेंडेंस अच्छे हाँ नोट्स बनाओगे हालांकि उसमें आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में टाइप हुए नोट्स हैंड रिटेन नोट्स हर प्रकार की सुविधा मिलेगी प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट टाइगर उन्नीस प्रोजेक्ट एलिफेंट उन्नीस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड दो हजार ए आपका बिल्कुल सही है उन्नीस किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती चार किलोमीटर पांच राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा त्रिपुरा मेघालय, मेघालय, असम असम मिजोरम, मिजोरम। याद रखिएगा साथी ये पांच राज्य हैं। वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मेघालय असम मिरोज मिजोरम किसकी नहीं लगती मणिपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा यह बांग्लादेश से नहीं लगती है 31 का उत्तर डी कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी सबसे नई पर्वत श्रेणी इन चारों में से सबसे बाद में बनी है इन चारों में से सबसे बाद में घाट वाला जो हिस्सा है जो दक्कन का पठार ये सब ये बहुत पुरानी श्रेणी है अरावली भी बहुत पुरानी है विंध्यांचल भी बहुत पुरानी है हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं यह नई नवीन वलित श्रेणी है इसको नई वलित पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं नई वलित पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं यह साथी न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है न्यू फोल्डेड माउंटेन्स बत्तीस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 33, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है नीति माना लिपुलेख नीति दर्रा माना दर्रा लिपू लेख दर्रा ये तीन दर्रे किस राज्य में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा साथी बहुत सारे दर्रे हैं। सिक्किम की बात करें नाथुला नाकुला, नाथुला नाकुला दर्रा नाथुला नाकुला दर्रा बोमडीला दर्रा बोमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का बाड़ा लाचाला सिपकीला दर्रा बाड़ा लाचाला दर्रा शिप किला दर्रा शिप किला याद नीति माना लिपुलेख नीति माना लिपुलेख ये उत्तराखंड तेतीस का सी आपका बिल्कुल सही है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी का सबसे बड़ा बेटा जब क्लास शुरू जाएगी ना पूरी आपको टाइम टेबल दिखने लगेगा तो अजय आपको सब समझ में आ जाएगा आप उतने परेशान मत होइए बच्चा ना कि व्हाट्सएप नंबर है एग्जाम्पल का एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हेल्प सेक्शन है सबसे बड़ा ब्राजील भारत में कर्नाटक भारत में कर्नाटक कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु चौंतीस का सी स्कूप शब्द यह किस खेल से संबंधित है स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है स्कूल शब्द किस खेल से संबंधित है स्कूप याद रखिएगा यह हॉकी से संबंधित शब्द है स्कूप किस से संबंधित है हॉकी रेलवे में एसएससी में खेल की शब्दावली से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हिल जाए खेलों से इतने डीपली क्वेश्चन आते हैं मजा आ जाता है पढ़ने में पेपर देने में छत्तीस शीशाचलम पहाड़ियां या शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में शीशाचलम कहां पर स्थित है साथी आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ी बोरलो अवार्ड ये किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए देखिए नॉर्मन बोर्लो फील्ड अवार्ड है नॉर्मन बोर्लो एक फील्ड अवार्ड है चालीस वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को अब की बार स्वाति नायक को दिया गया और एक साथी बोर्लो अवार्ड यह भारत के एक संस्थानी है नॉर्मन बोर्लो किससे संबंधित थे पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भाई नॉर्मन बोरलो को क्या कहा जाता है पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक सैतीस का ए आपका बिल्कुल सही है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है।, है या आप कह सकते हैं अरब सागर की ओर बहती है पश्चिम की ओर बहती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से देखिए कावेरी यह तमिलनाडु में जाके बंगाल की खाड़ी से गोदावरी आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से कृष्णा ये भी साथी आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नर्मदा तापी माही मां नर्मदा तापी माही ये कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं अड़तीस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है अड़तीस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है किसके कारण सुनामी की लहरें आती हैं दिमाग लगाकर उत्तर देना किसके कारण सुनामी आती है दिमाग लगाकर उत्तर देना दिमाग लगाकर उत्तर देना किसके कारण बेटा जिसने परचम लिया उसको सारे बैच अवेलेबल होंगे उसमें यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम रेलवे एसएससी सारे सारी दिखेंगे उसको क्लास अंदर अलग अलग फोल्डर में चंद्रमा का बाहरी भाग पृथ्वी का आंतरिक भाग पृथ्वी का बाहरी भाग चंद्रमा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है अर्थ का इंटीरियर उसकी वजह से भूकंप आते और भूकंप की जो ऊर्जा होती है उसकी वजह से सुनामी आती है तो भूकंप किसकी वजह से आते हैं पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की वजह से तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की वजह से भूकंप आते भूकंप से सुनामी उनतालीस का भी मृक्ष कटिकम पुस्तक किसने लिखी है मृक्ष कटिकम पुस्तक किसने लिखी है बेटा बाहरी भाग कहां से हो गया पृथ्वी के बाहरी भाग से क्या मतलब है पृथ्वी के अंदरूनी भाग में भूकंप आए भूकंप से फिर क्या होता है पृथ्वी का बाहरी भाग प्रभावित होता है पूछा किस कारण से आती है पूछा है किस कारण से आती है की रचना। याद रखेगा शुद्रक ने किसने की थी शुद्रक भाषण स्वप्न वास्तव कालिदास कालिदास रघुवंशम रघुवंशम मालविका अग्नि मित्रम मालविका मालविका अग्नि माल ये सब चालीस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है नीति आयोग के प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना डोमर मॉडल पर आधारित उन्नीस से उन्नीस तक कुल बारह पंचवर्षीय योजना 2012 में आई दो में एंड हो गया तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना थी यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने ले लिया इकतालीस का सी आपका बिल्कुल सही है बयालीस खेल से संबंधित खिलाड़ी है गुकेश डी का संबंध किस खेल से है सभी लोग उत्तर दीजिए गुकेश डी दी मुक्केबाजी शतरंज फुटबॉल कुश्ती तो याद रखिएगा गुकेश डी इनका संबंध चेस से है शतरंज से है बयालीस का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सभी लोग उत्तर दीजिए बच्चा कल वैसे परेशान मतू ना कल केवल सिलेबस डिस्कनेक्ट किस तरह से लेके चलूंगा सौ दिन किस तरीके से प्लान बनाया है बस तुम लोग विद्या की कसम खाके मां सरस्वती को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लोगे 100 परसेंट अटेंडेंस रखोगे किसी भी तरह और कोशिश करना है लाइव क्लास अटेंड करने की एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करना है चाहे छह तीन महीने सौ दिन तुम्हें तो एक टाइम खाना खाना पड़े घर वालों से कह दो एक बार मेहनत कर लेने दो लाखों के बीच में चमका दूंगा अलग से अलग दिखोगे याद रखिएगा चौरासी और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए सैतालीस तैतालीस का ही आपका बिल्कुल सही है इनमें से कौन सी फुल फॉर्म सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सी फुल फॉर्म सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सी फुल फॉर्म सुमेलित नहीं है डीएसएलआर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स डीएसएलआर कैमरा होता है जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्लोज्ड सर्किट टेक्नोलॉजी एक गलत है डीएसएलआर जीपीएस सीपीयू सीसीटीवी याद रखया जिसको वीडियो सर्विलेंस भी कहते हैं सर्किट क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन 44 का डी एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से अनीमिया होता है ना जब आयरन वगैरह की कमी हो जाती है किस विटामिन की कमी से भाई विटामिन सी की कमी से भी बताया था इसकर भी होता है विटामिन के रक्त का थक्का ने जमना रक्त का थक्का ने जमना रक्त का थक्का ने जमना विटामिन बी टwelve याद रखिएगा अनीमिया विटामिन बी टwelve विटामिन बी ट्वेल्व पैतालीस का ही आपका बिल्कुल सही है कौन सा सुमिलित नहीं है देश और राजधानी में एक सुमिलित नहीं है देश और राजधानी में एक सुमिलित नहीं है देश और राजधानी में एक नहीं है वियतनाम हनोई सीरिया दमिश्क ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कैनबरा अच्छे से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दिसाबाबा सीरिया दमास्कस दमिश्क वियतनाम हनोई का डी इनमें से घास के मैदान और देश सुमिलित नहीं है घास का मैदान और एक देश सुमिलित नहीं है टाइम टेबल थोड़ी देर पहले ही बताया है जो साथी पहले परिश्रम से जुड़े हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पुराने हैं उनको ये परिश्रम या तो परिश्रम की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी या देखता हूं परिश्रम दोबारा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो लोड पड़ रहा है क्योंकि इसमें और डीपली फाउंडेशन बिल्कुल सही याद रखिएगा वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान प्रेरी अमेरिका कनाडा पंपास अर्जेंटीना डाउंस ऑस्ट्रेलिया सैतालीस का उत्तर सी सुमिलित नहीं है राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर और किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है मेथ के तीन विशेष टीचर लगाए चार को हो तो चार इंडिया के सबसे बेस्ट में से एक हजारों बच्चों को जिन्होंने पढ़ाया है दरोगा में अलग यूपी पुलिस कांस्टेबल अलग एसएससी में अलग रेलवे में अलग तो कुछ मेहनत करके कुछ चीजें आपको दी जा रही है। याद हैं याद रखिएगा बच्चा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बारह जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तेईस जनवरी अड़तालीस का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है इनमें से एक गलत है यहां पर एक यंत्र और उसका है तो एक यंत्र और उसका इन्वेंटर गलत है एक यंत्र और उसका इन्वेंटर गलत है पावरलूम ई कार्टराइट फाउंटेन पेन ई वाटरमैन ग्रामोफोन थॉमस एलवा एडिसन सेफ्टी पिन रुडोल्फ डीजर नहीं है याद रखेगा वाल्टर हंट कौन है सेफ्टी पिन के वाल्टर हंट सेफ्टी पिन के आविष्कार फाउंटेन पेन लुईसी वाटरमैन लूम ई कार्टराइट चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है एक नंबर टेस्ट है एकदम जबरदस्त बिल्कुल टू पॉइंट जैसा रेलवे एन टीपीसी ग्रुप डी आर पी एफ एस आई कॉन्स्टेबल का सिलेबस है कमेंट करोगे तो क्लास में लगा दूंगा। और फिर से बता रहा हूं जिसने साथी परचम ज्वाइन किया है परचम बैच नौ सो निन्यानवे रुपए पे किए दो वर्ष तक कोई भी बैच आए वो आपको सब मिलेंगे चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई हो चाहे पीएससी का हो कोई आई जेल वार्डर वगैरह सब ठीक है भैया जिसने केवल री एग्जाम टारगेट करना है कांस्टेबल वाला उसने परिश्रम दोबारा चार सौ निन्यानवे नई बच्चे के लिए पुराने जिसने परिश्रम चार सौ निन्यानवे लिया था उसको चार सौ निन्यानवे में जिसने निन्यानवे एक सौ निन्यानवे में लिया था उसको उतना पेमेंट करना पड़ेगा जितना इसमें अंतर है ठीक है भैया इसमें साथ ही आरपीएफ एसआई कांस्टेबल ये सब अवेलेबल है एसआई कॉन्स्टेबल एस के सारे बैचेस बेहतरीन टीम है एक नंबर जबरदस्त याद रखिएगा पेट्रोलॉजी क्या कहा जाता है पेट्रोलॉजी पोमोलॉजी यह फल इत्यादि से संबंधित है पीडोलॉजी ये मृदा मिट्टी से संबंधित है माइकोलॉजी ये साथी फंगस से संबंधित है ये फ्रूट इत्यादि से संबंधित है पेट्रोलॉजी होती है चट्टानों का अध्ययन अब आप स्कोर बताइए कि आउट ऑफ फिफ्टी आपका स्कोर कितना है पचास में आपका स्कोर कितना है मैंने आपको पूरी बताई है जो साथी समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे लें, कुछ नहीं करना जो अभी आप वीडियो देख रहे हो इस पे याद रखिएगा साथी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर मोर करके एक लिंक आएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मोर करके एक लिंक आएगा यहां पर इस लिंक पर आप जाओगे ऊपर ही है अगर आपको फाउंडेशन से पढ़ना है जिसमें कंप्लीट आरपीएफ एसआई सब कुछ एनटीपीसी तो ये साथी परचम लेना केवल आरपीएफ एसआई पढ़ना हो तो ये गर्जना करके 18 मार्च से शुरू होगा पर आपको मैं इसका परचम का रिकमेंडेशन दूंगा और केवल यूपी पुलिस री एग्जाम टारगेट करना है तो ये लिंक है बाकी कोई इशू आए तो नंबर है पूरे आठ सौ चवालीस करके ये अपना व्हाट्सएप का नंबर है और साथ ही अपना नंबर आपको यहाँ पे कॉलिंग वाला दिख रहा होगा ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो बैच हैं सारे के सारे ये बिल्कुल टारगेटेड बैच हैं इसमें आपको जो ये होती है ना क्या कहते हैं उसे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं इसमें आपको स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं सारी की सारी ऐसे समझो जीके स्पेशल स्पेशल रीजनिंग स्पेशल लेकिन एग्जाम को टारगेट करके संपूर्ण सारे का सारा सिलेबस सिलेबस इतना स्लेवस और इतना और डीप बिल्कुल प्रीवियस ईयर के आधार पर यह कहीं कवर नहीं कराया जाएगा जबकि पैसे आपके ज्यादा खर्च हो जाएंगे इसलिए दो चीज लेके नई कॉपी लेके थोड़ा थोड़ा नोट करना और हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस देना बस कुछ नहीं चाहिए तुमसे तुम, तुम देखोगे अपने आप में सुधार कैसे होते हैं और ज्यादा क्लासेस नहीं है कुछ में घंटे कुछ में मैक्सिमम आठ घंटे क्लास है

टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है इस पे उस पे मिल जाएगा बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन विजिट जरूर करना कल सुबह सिलेबस डिस्कशन है और परसों से सीधी क्लास अभी मैं कोशिश करूंगा हालांकि आज ऑफर का लास्ट डे है कि मैं कल भी इसको आगे बढ़वा पाऊं बात करके थैंक यू धन्यवाद जय हिंद बच्चा